सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कृषि फसलों में अपडेट से शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 6562 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6590 का हाई लगा चुका है, हल्की सी करेक्शन बनती नजर आ रही है लेकिन 6500 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो यहां से कैस्टर में अब आगे वायदा बाजार तेजी की ओर रहेगा या मंदी की ओर, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आपने इससे पहले जो इंटरव्यू दिया था उसमें बताया था कि कैसा सीड आने वाले दिनों में 6500 का लेवल दिखा सकता है, आपका टारगेट तो अचीव हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज कैसा सीड ने 6590 का हाई लगा दिया है, तो क्या कैसा सीड 6600 के ऊपर भी सस्टेन हो पाएगा? देखिए, डेफिनेटली ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, मगर जिस तरीके का यहाँ पे तेजी बनी है हमें लगता है कि अभी कैस्टर में जो तेजी है वो जी। यहीं से अनु जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं हल्की हल्की करेक्शन फिर से बननी शुरू हो गई है, अब 3000 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते नजर आ चुका है, 3031 का लो लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में जो करेक्शन है 3000 के नीचे भी ले जा सकती है कीमतों को? देखिए, बिल्कुल, बिनौला खल में हमें लगता है कि बिनौला खल और कॉटन दोनों के अंदर ही हमें थोड़ी नरमी लग रही है, क्योंकि डिमांड जो है वो हायर लेवल पे खत्म होती हुई दिख रही है। और अब बिनौला खल की बात करें तो इसके जो दूसरे प्रोडक्ट है जैसे हरे चारे की डिमांड, वो यहाँ बढ़ सकती है क्योंकि हायर लेवल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो भाव है वो थोड़े से सेल में रहेंगे, नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 2950 से 2900 रुपए तक के लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में आ सकते हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए, 2950 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो देख रहे हैं कि धनिया काफी शानदार तेजी के साथ आज कारोबार करता नजर आ रहा है, 10700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.5% की तेजी है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब धनिया में तेजी बनना शुरू हो गई है या फिर ये छोटी अवधि के लिए था? देखिए, धनिया में अभी तेजी बननी शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है ये कंटिन्यू रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि भाव ऊपर में 11000 तक के लेवल को छू सकते हैं धनिया में। अच्छा, हालांकि देखें तो इस बार एकरेज और क्रॉप साइज दोनों कम है और जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, तो एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए, ऊपर में 11000 तक के लेवल धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी ये सनु जी, बात करेंगे जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 20700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 20845 का हाई लगा चुका है, 2.25% की तेजी है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जीरे में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, अब यहाँ पे गिरावट के बाद हमने तेजी बनती हुई फिर से देख लिया जीरे के अंदर, तो क्या ये तेजी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के साथ देखने को मिलेगी, क्या यहाँ पे कीमतें टिक पाएंगी इतना? डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी अच्छी है, हमें लगता है कि अभी इनिशियली भाव जैसे 20000 के ऊपर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी एक और स्पाइक आना बाकी है जो कि ऊपर में करीबन 21300 से लेकर 21500 तक के लेवल को छू सकता है। तो जीरा मुझे लगता है कि खरीदारी की साइड ही रखना चाहिए, ऊपर में 21500 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल तेजी में कुछ अभी समय बाकी है, मुझे लगता है अभी और यहाँ पर 400 से 500 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड और लोअर एकरेज से काफी सपोर्ट मिला है और हमें लगता है कि अभी भावों में और तेजी देखी जा सकती है। जी ये सनु जी, बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में देख रहे थे कि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से 9800-9900 के बीच में ट्रेड होता नजर आ रहा था, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो कीमतें आज उछाल के साथ 10000 के पार जाती नजर आई हैं, तो क्या यहाँ से हल्दी में भी तेजी बनना शुरू हो गई है? देखिए, डेफिनेटली हल्दी के अंदर भी तेजी बनी है, हालांकि भाव अभी थोड़े से सस्टेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीचे भाव अगर 9700-9600 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए,
ऊपर में 10,200 10,300 तक के लेवल हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। मसालों में ओवरऑल सभी मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट डिमांड से काफी अच्छा असर रहा है और इस बार सभी मसालों के अंदर एकरेज और क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम है, इससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, भाव यहाँ से भी और ऊपर की तरफ जा सकते हैं जी। तो यानी कि ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स तेजी की ओर रह सकता है साल 2022 के अंदर, यहाँ से मसालों में अभी और तेजी बनती नजर आ सकती है। निचले स्तर पर अनुज जी के हिसाब से खरीदारी में मसालों में रहा जा सकता है। ये से अनुज जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में करेक्शन का दौर आज भी जारी है, आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में ये जो करेक्शन है और कितनी गहरा सकती है? देखिए मुझे लगता है कि मार्केट अब सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से ज्यादा करेक्शन हमें लगती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी भाव काफी लोवर आ गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक ही आना चाहिए और एक हालांकि फरवरी एक्सपायरी है बट मुझे लगता है कि मार्च वायदा के अंदर यहाँ पे जो खरीदारी है वो एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। ऊपर हमें अगेन लगता है कि 6,250-6,300 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं, तो लोअर लेवल है, यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए जी। अनुज जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन को हमने एक सीमित दायरे में ट्रेड होते देखा था जो कि 6,000 से लेकर ऊपर में 6,500 तक का है, लेकिन देख रहे हैं कि अब सोयाबीन 6,600 के पार भी जा चुका है, मार्च वायदा देख रहे हैं 6,700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है ब्राजील और अर्जेंटीना में तो पहले से ही उत्पादन अनुमान में कटौती की जा चुकी है, तो क्या ये उसका असर देखने को मिल रहा है और क्या ये छोटी अवधि के लिए रहेगा या फिर लंबी अवधि में भारतीय बाजारों में सोयाबीन में भी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए सोयाबीन के अंदर जो तेजी है वो वैश्विक कारणों की वजह से है और जो हमने अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन देखी है यूक्रेन में या रशिया में, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी उसकी वजह से भावों को और सपोर्ट मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि भावों में तेजी रहेगी, तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन है तब तक एक तेजी का माहौल बन सकता है। तो हमें लगता है कि एडिबल ऑयल अभी फिलहाल एक पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। अनुज जी बात करें अगर एडिबल ऑयल्स की, तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है वहाँ पर हम देखते हैं कि सनफ्लावर का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है भारत में रशिया और यूक्रेन से, तो आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशंस के अंदर सनफ्लावर ऑयल की भी कीमतें बढ़ सकती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।